मौजूदा दौर में थायराइड की समस्या आम हो गई है, लेकिन हार्मोनल असंतुलन की वजह से पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थायराइड का खतरा अधिक होता है। और न केवल बड़ी उम्र की महिलाओं में बल्कि युवा लड़कियों में भी थायराइड के लक्षण जैसे कि वजन में उतार चढ़ाव, अनियमित महावारी, बाल झड़ना, थकान, कमजोरी दिखाई देने लगे हैं। थायराइड बीमारी से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतें, जानेंगे हम हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चितावर जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर सचिन चितावर, मैं एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ। देखिए, थायराइड की बीमारी जनसामान्य में बहुत बहुतायत में देखी जा रही है। हर दूसरे तीसरे आदमी को थायराइड की बीमारी होती है। कभी भी थोड़ा सा मोटापा आता है तो लोग बोल देते हैं कि भाई थायराइड की जांच करवाएं। तो ये जो बीमारी है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म, हार्मोन की कमी, ये जो बीमारी है ये बहुतायत में महिलाओं में देखी जाती है। 100 अगर 10 में देखा जाए तो 8 महिलाएं हैं। कैसे पता करें कि आपको थायराइड की बीमारी है? अगर आपको थोड़ा बहुत वजन बढ़ रहा है, चेहरा फूला फूला लगता है, थोड़े कुछ बाल झड़ने लगते हैं, विचारों में थोड़ा से नकारात्मकता आने लगती है, आप थोड़े से तुनक मिजाज हो जाते हैं, तो आपको थायराइड की जांच जरूर करवानी चाहिए। अगर थायराइड की जांच पॉजिटिव आती है तो आपके डॉक्टर आपको सिंपल सी एक दवा लिखेंगे। बहुत ही सस्ती सी गोली है, 1-2 रुपए की गोली है। इसको नियमित आप खाएंगे और डॉक्टर आपका एक बार डोज तय करेंगे तो साल में एक बार दिखाना पड़ेगा। खास विशेष परिस्थिति जैसे अगर गर्भावस्था है तो उसमें बहुत ध्यान रखें कि जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म पहले से है वो अपने डॉक्टर से मिले, ताकि ये हम इसको नॉर्मल करें और फिर गर्भाधान होना चाहिए। नहीं तो बच्चे के IQ में प्रॉब्लम आती है और मंदबुद्धि बच्चा किसी को भी नहीं चाहिए। तो आशा है इस बारे में आपका ये जो विषय है इसके बारे में आप समझेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि पत्ता गोभी मत खाओ, फूल गोभी मत खाओ, टमाटर मत खाओ, सोयाबीन मत खाओ, ये अवधारणाएं हैं। आपके डॉक्टर कुछ हजारों लाखों में एक आध आदमी को बताएंगे कि ऐसा नहीं करना है, बाकी सबके लिए सब कुछ खाना है, किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं है, बस गोली खाली पेट लीजिए।